रिमोट हो चुका है तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे हमें। अभी हम जू जा रहे हैं रियांश को दिखाने, रियांश को जू दिखाएंगे। इसे पता नहीं भी समझ है इन चीज़ों की नहीं, तो फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आज का मेरा ऑफ है और इसको पूरा इंजॉय करवा सकूँ आज के डे में। तो दिखाते हैं आपको भी दिल्ली का जू, हमारा नेशनल जू। मम्मी कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है मम्मी, मुझे लग रहा है दिल्ली में पहली बार आके कहीं घूमने जा रहे हो ना? नहीं नहीं, पीपी कलेक्शन के अलावा, हम ले पीपी कलेक्शन के अलावा पहली बार जा रहे हो। हम रियांश को दिखाने जा रहे हैं एलिफेंट और टाइगर। टाइगर तो मम्मी हम भी देखेंगे ना दोनों मिलके? हां हम भी देखेंगे, पहले हम देखेंगे रियांश को दिखाएंगे। तो मम्मी को भी इंजॉय करवा रहे हैं हम साथ में, क्योंकि मम्मी दिल्ली हमारे पास आए हैं। तो मम्मी बहुत छोटा बच्चा है अभी, हम भी छोटे बच्चे हैं अभी, छोटे बच्चे हैं हम भी। मम्मी और रियांश हमारे घर में दो छोटे बच्चे हैं, तो दोनों को हम घुमाने लाए हैं। मैं सोचिया कि एंडे नू ना कंबल उड़ाए रिया है।
मेरा भाई कहता आप भी गेंडे के साथ कंपनी दे दो, वो जो खा रहा है आप भी खा लो, ऐसे बोल रहा था। मतलब मेरा भाई मुझे गेंडे के साथ कंपेयर कर रहा था। कौन कहता है ये वाला भाई? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। कैसा रहा? बहुत थक गए यार, बहुत बेकार। आयो के मां, फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं। मम्मी आप नहीं थके? मैं भी बहुत थकी हूं, काफी के फील हो गई हूं, हालत टाइट हो चुकी है। बहुत ज्यादा थक गए, चला भी नहीं जा रहा। प्रियांश ने तो दो तीन बार सो भी लिया और हम अभी यार मम्मी तो से चल ही रहे हैं। तो फाइनली अभी हम घर पहुंचने वाले हैं। अरे रुको रुको रुको, पहले ये बताओ कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस आपका? मत पूछो। क्यों, ऐसा क्या हुआ? हमें बैठने दो पहले, फिर पूछना। बैठना बाद में, पहले एक्सपीरियंस शेयर करो। आपको कैसा लगा, कितना मजा आया? मेरे को तो बहुत मजा नहीं आया। सच में, मतलब जितना एक्सपेक्ट करके गए थे ना अनुपमा, उतना मजा नहीं आया। मेरे को तो 2-4 लाख रुपया देके ना चलो, मैं तब भी नहीं दोबारा जाऊंगी। इतना बुरा रिव्यू? इतना बुरा नहीं लगा, पर नहीं जाऊंगी। नहीं जाना, नहीं जाना। मम्मी तो बहुत थक गए चल चल के। मम्मी तो कह रहे थे मुझे बिठा दो, आप लोग घूम लो ना, वहाँ तो पीने को ना खाने को ना कुछ, चिड़िया देखे तक गए। ये तो सच्चाई है कि वहाँ पे मतलब चलना बहुत पड़ा हमें, बहुत चलना पड़ा। ठीक है, अल्टीमेट चलना भी पड़ा, उसके भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक जो इंटरेक्शन होना चाहिए था ना हमारा वहाँ पे, मतलब एनिमल्स के साथ, वो नहीं हुआ। क्योंकि जो मेन था लायन, वो सो रखा था, टाइगर सोया हुआ था, तो जो मेन हमारे एनिमल्स वो तो सोए हुए थे। हमने से चिड़िया पक्षी वो देखे और क्रोकोडाइल तो ऐसे पड़ा जैसे उसने पैक लगाया। क्रोकोडाइल तो बहुत पूरी तरह पड़ा हुआ था। मतलब मैं मम्मी से पूछ रही, मम्मी जिंदा है? मतलब ऐसे जैसे मतलब जिंदा है, पैक लगा के पड़ा हुआ है यार। बहुत बुरा हाल था एनिमल्स का वहां पे। और जो अच्छे एनिमल्स थे जिनको थोड़ा सा देखने का मन कर रहा था, इंटरेक्शन कर रहे थे, वहां पे थोड़ी स्मेल थी, तो मतलब कहीं ना कहीं ओवरऑल एक्सपीरियंस बिल्कुल सही, इतना अच्छा नहीं रहा। पैरेट बहुत अच्छे थे, एक पैरेट मेरा ख्याल है कि 2-2 लाख का होगा। मतलब पैरेट अच्छे थे, वो मैंने देखे, पक्षी अच्छे थे। और जो हिप्पोपोटामस था वो भी पानी में खोद रहा था, अच्छी तरह वो अच्छे थे। कुछ कुछ चीजें थी, और एलिफेंट भी तीन थे वहाँ।
वो भी बहुत प्यारे प्यारे लगे मेरे को। हाँ। बस तीन चीजें अच्छी लगी, बाकी कुछ नहीं अच्छा। लेकिन मेरे को सबसे बैड एक्सपीरियंस मम्मा जो हमारा वहाँ पे रहा, चलने का भी था चलो, लेकिन सबसे बैड एक्सपीरियंस था कि वहाँ पे कैंटीन नहीं थी। कुछ खाने को अगर आप लोग कभी भी जू जाते हो तो प्लीज अपना इंतजाम करके जाना, इंतजाम मतलब खा पी कर जाना, क्योंकि अंदर भी आपको लेके जाना अलाउड नहीं है, बिस्किट भी लेके जाना अलाउड बिल्कुल भी नहीं। और अगर गलती से आप पानी की बोतल ले गए तो वहाँ पे मंकी आके आपके लेके भाग जाएगा, बहुत रिस्की था, मैंने खुद देखा है ना मम्मी, वो जिसकी स्लाइस की बोतल लेके मंकी भाग गया, बच्चे को उठाया था और उसके पास माजा की बोतल थी वो छीन के ले गया। तो इसीलिए कहीं ना कहीं बस खाने का मुझे मेन इशू लगा, क्योंकि हमें इतनी भूख लगी थी, हम घूम घूम के थक चुके थे और हम कुछ खा नहीं पाए। बाहर आके तो मैं ऐसे टूटे खाने पे जैसे हमने कोई खाना ही नहीं देखा, वो सारा हम वीडियो में दिखाएंगे, मम्मी बोल रही थी यार ये अच्छा नहीं, आप मत खाओ क्योंकि बहुत अनहाइजीन के साथ बाहर आके, लेकिन हमने कुछ नहीं देखा, हमने खा लिया मेरे कट्टा मेरा जो मिला खा लिया, जो मिला खा लिया। तो आज का हमारा जू का ट्रिप यहीं पे एंड होता है, और अगर आप लोगों को हमारा जू का रिव्यू और जू का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप लोग सबके साथ शेयर जरूर करना, बिकॉज जो लोग अभी तक नहीं गए वो अलर्ट हो सके कि वहां पे जाने से पहले हमें क्या किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। बाकी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।